चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां अमित शाह वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे हैं। पटना से दरभंगा तक एक वर्चुअल रैली ही कर लेते, किसने रोका था? मगर मैं इन पर ज्यादा सवाल समय जाया करना नहीं चाहता। मित्रों, नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के माध्यम से देश में 75 वर्चुअल रैलियों को आयोजित किया है और मुझे भरोसा है ये वर्चुअल रैली के माध्यम से न केवल भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता परंतु करोड़ों करोड़ों की देश की जनता का संपर्क कर आत्मनिर्भर भारत की हमारे मोदी जी के आह्वान को हम सफल बनाने के लिए जुट जाएंगे, जनता को भी जोड़ेंगे और कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई मोदी जी ने छेड़ी है इसमें विजयी होकर भारत फिर से एक बार आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल पड़ेगा। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ता को कहता हूं कि कुछ वक्रदृष्टा लोग कुछ भी कहे, हमें हमारा रास्ता चलित करने की जरूरत नहीं है, हमें हमारे रास्ते पर चलते जाना है और हमारे लक्ष्य तक हमारा संघर्ष चालू रखना है। मित्रों, आज इस रैली के माध्यम से बिहार के लाखों कार्यकर्ता और जनता भारतीय जनता पार्टी के इस मंच के साथ जुड़ी है, मैं सभी को मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी बिहार की जनता के सामने अपनी झोली लेकर वोट मांगने आए, मोदी जी की झोली को आपने वोटों से भरकर पूर्ण बहुमत दोनों बार दिलाया। और वो पूर्ण बहुमत जो आपने दिया, जो विश्वास दिया, मोदी जी को जो साहस बंधाया, मोदी जी पर आशीर्वाद दिए, इसी का परिणाम है कि पूरा पूर्वी भारत, न केवल बिहार, पूरा पूर्वी भारत आज विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि भारत का विकास जो अब तक चला उसमें पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के विकास के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। आजादी के समय जीडीपी के अंदर पूर्वी भारत का योगदान बहुत ज्यादा होता था, परंतु आजादी के बाद कुछ इस प्रकार से सरकारें चली जिसने पूर्वी भारत को पूर्णतया देखा नहीं, इसके विकास से अपना मुंह मोड़ लिया और परिणाम यह आया कि पूर्वी भारत पिछड़ता गया। मोदी जी ने ये 6 साल के अंदर करोड़ों गरीबों के जीवन में प्रकाश लाने का एक प्रयास किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा अगर हुआ है तो मेरे पूर्वी भारत के लोगों को हुआ है, पूर्वांचल के लोगों को हुआ है, बिहार के लोगों को हुआ है, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर पूर्व के लोगों को हुआ है। मित्रों, जब मोदी जी ने पहली बार संसद के अंदर कहा कि मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार दलितों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार आदिवासियों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार पिछड़ों के लिए काम करेगी, तब कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी को कोट कर कहा था कि इंदिरा जी भी गरीबी हटाओ की बात करती थी, इंदिरा जी चली गई, गरीबी वहीं की वहीं रह गई। मगर उनको मालूम नहीं था ये भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी के बोले हुए वचन है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। और आज देखते देखते आयुष्मान भारत के तहत देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर 50 करोड़ लोगों के जीवन में एक उजास भरने का काम किया है, उजाला भरने का काम किया है। आज 50 करोड़ लोग, चाहे छोटा बच्चा बीमार पड़ जाए, बूढ़ी माँ बीमार पड़ जाए, बूढ़े पिताजी बीमार पड़ जाए, उसको चिंता नहीं है कहीं से लोन लेंगे साहूकार के, वहां से कुछ पैसा जमीन गिरो कर ले आएंगे, अपना मकान गिरो कर ले आएंगे, वो जरूरत ही नहीं है। 1 करोड़ लाभार्थी ने अब तक अपना ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना के तहत कराकर अपने जीवन को नई दिशा देने का काम किया है। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ से ज्यादा माताएं बहनें आज घर के अंदर चूल्हा के धुआं नहीं सहन करती हैं। कोई बुरी आदत न होने के बावजूद 400 सिगरेट जितना धुआं हमेशा उनके फेफड़े के अंदर चला जाता था और अकाल ही वो अपने आयुष्य को समाप्त करती थी। मोदी जी ने 8 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का सिलेंडर भेजकर उनके घरों को धुएं से मुक्त करने का काम किया है। हमारे बिजली मंत्री यहां बैठे हैं, 2.5 करोड़ लोगों को 2.5 ही साल के अंदर सौभाग्य योजना के तहत
बिजली पहुंचाने का काम किया। 60 साल की आजादी के बाद 20,000 गांव ऐसे थे जहां पर बिजली नहीं पहुंची थी और 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जिनके घर में उजाला नहीं था, अंधेरा था, लाल टेंट जलानी पड़ती थी। अब लाल टेंट का जमाना गया है, एलईडी बल्ब का जमाना आया है, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में आज एलईडी बल्ब जगमगा रहा है, उनके जीवन को भी जगमगा रहा है। कई माताएं बहनें बच्चियां घर में शौचालय न होने के कारण अपने आप को शर्मसार महसूस करती। 10 करोड़ घरों के अंदर शौचालय भेजकर मोदी जी ने न केवल शर्म को दूर करने का काम किया है, उनको सम्मान दिलाने का काम किया है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम किया है और उनके अच्छे स्वास्थ्य की भी चिंता की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने लक्ष्य रखा है, जब भारत आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा, इस देश में कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं होगी जिसके पास घर नहीं होगा। हमने 2.5 करोड़ लोगों को घर देने का काम पहले ही टर्म के अंदर 14 से 19